बड़ाई में नाचे। प्रभु ईश्वर की स्तुति कर।
आप सबों को जय यीशु और हैप्पी फीस्ट। आज हम लोग महासमारोह मना रहे हैं, ट्रिपल जुबली। पहला सेंट जॉन डी ब्रिटो स्कूल का गोल्डन जुबली और पैरिश का सेलिब्रेशन सिल्वर जुबली हम लोग मना रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए इधर आए हुए। 50 ईयर्स हम लोग DPH स्कूल 1972 को शुरू किया है। उसी दिन से बहुत सारे बच्चे लोग इधर से पढ़ करके निकल गए हैं और उन लोग अच्छा अच्छा पोजीशन में है। अभी हम लोग फादर हंट से शुरू किए हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल फादर हंट, और उसी दिन से 17 प्रिंसिपल्स इस स्कूल को संभाले, और अभी हाल ही में हमारा सिस्टर प्रतिमा इस स्कूल को संभाल रही है। सब प्रिंसिपलों को बहुत धन्यवाद ये स्कूल को इतना अच्छी तरह चलाने के लिए। और उसी दिन से अब हमारा असिस्टेंट हेडमास्टर रहे हमारा पेत्रुस हेम्ब्रम, जब DSWC स्कूल चला रहे थे उस समय फादर लोग प्रिंसिपल थे, लेकिन पूरा का कार्य हमारा पीटर पेत्रुस हेम्ब्रम संभालते थे। उसको पेत्रुस हेम्ब्रम आज है हम लोगों के बीच में, उसको भी बहुत धन्यवाद। और सिल्वर जुबली और हमारा पैरिश का 1998 में इस पैरिश शुरू किया है, और फादर पीडी जॉनी फर्स्ट पैरिश प्रीस्ट, अपॉइंटेड पैरिश प्रीस्ट थे, और उधर से लेकर के 9 पैरिश प्रीस्ट हम लोगों का पैरिश में हुआ है, और सबसे आखिरी वाला अभी का पैरिश प्रीस्ट है फादर फ्रांसिस बोद्रा, ऐसे अभी वही अब उसी इस दिन उसका सिल्वर जुबली भी मना रहा है। तो हम लोग हर एक चीज़ के लिए 3 ट्रिपल जुबली मना रहे हैं। हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें, और हमारा फ्रांसिस फादर को प्रभु के दागबारी में 25 ईयर्स का अच्छी तरह प्रभु के साथ प्रभु के लिए काम किया है, तो उसको ऑर्डिनेशन दिन उसको हम लोग बधाई देते हैं। और हम लोग विशेष रूप से आज प्रार्थना करें, हम लोग सब मिलकर ईश्वर को धन्यवाद दें, और हमारा स्कूल जुबली और पैरिश जुबली फादर का जुबली ठीक से उसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको अच्छी तरह चलाने के लिए, स्कूल पैरिश अच्छी तरह आगे चलाने के लिए हम लोग ईश्वर से विशेष रूप से आज वरदान मांगेंगे। तो फ्रांसिस बोद्रा को आज का मिसा चढ़ाने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित करता हूँ। फादर प्लीज शुरू कीजिए। हमारी पल्ली एवं स्कूल के संरक्षक संत सेंट जॉन डी ब्रिटो का त्यौहार भी मना रहे हैं। सेंट जॉन डी ब्रिटो पुर्तगाल के संभ्रांत परिवार से आते हैं। उन्होंने यीशु समाज ज्वाइन किया और यीशु समाजी बनने के बाद एक पुरोहित के रूप में उसने मिशनरी बनना स्वीकार किया और लिस्बन से भारत के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। भारत आकर दक्षिण भारत में जिस करके तमिलनाडु में उन्होंने मिशन कार्य
संपन्न किया और इन्होंने विशेष करके एक अलग ही तरीके से मिशन कार्य आरंभ किया। उसने एक सन्यासी की वेशभूषा धारण की, पंडारा स्वामी जिसे साउथ में कहते हैं, और इसी तरह से नए परिवेश में, नए देश में उनको ये बात नाजवार गुजरी और उन्होंने 4 फरवरी 1693 को दे दिया और अपनी जान दे दी। इस संत की मध्यस्थता से साथ ही साथ प्रार्थना करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भी यह स्कूल इसी तरह गरीब तबके के लोगों की लोगों को शिक्षा दे सके और इस प्रकार शिक्षा रूपी ज्योति को हमेशा फैलाते रहे। संत जॉन द ब्रिटो पैरिश की शुरुआत अगर हम कहें तो इस मिशन की शुरुआत बहुत पहले आरंभ हो चुकी थी, लेकिन वर्षों तक इसे धनबाद पल्ली का ही एक भाग के रूप में माना गया और सिर्फ 1998 ईस्वी में, जैसे कि फादर जी उसने कहा, इसे एक पल्ली के रूप में इसकी घोषणा की गई। और तब से लेकर के अब तक बहुत सारे पुरोहितों ने यहाँ काम किया है, उन सब पुरोहितों के लिए मैं आज ईश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ प्रार्थना करना चाहूँगा कि वे जहाँ कहीं भी हैं वे अच्छी तरह से अपने कार्य को संपन्न कर सकें और जो दिवंगत आत्माएं हैं जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं ईश्वर उनकी आत्माओं को आनंद शांति प्रदान करें। और साथ ही साथ आज मैं आप लोगों के साथ मिलकर अपने पुरोहितिक जीवन का, पुरोहितायिका के जीवन का 25वीं वर्षगांठ मना रहा हूँ। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा सर्वप्रथम मैं पिता ईश्वर को जिसने हमारी सृष्टि की, पुत्र ईश्वर को जिसने मुझे आमंत्रित किया अपने पीछे चलने के लिए, पवित्र आत्मा को जिसने अपने ज्ञान की ज्योति से मुझे आलोकित किया ताकि मैं जो भी कार्य मुझे सौंपा जाए उससे अच्छी तरह से कर सकूं। साथ ही साथ अपने दिवंगत माता पिता को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ईश्वर की कार्य योजना में मुझे इस दुनिया में लाकर उसकी कार्य, ईश्वर की कार्य योजना को पूरा किया। अपने बड़े भाई बहनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे भरपूर प्यार दिया, मुझे इस लायक बनाया कि मैं एक पुरोहित के रूप में काम कर सकूं। अपने सभी नाते रिश्तेदारों को के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे भरपूर प्यार दिया। और साथ ही साथ यीशु समाज ज्वाइन करने के बाद जितने भी यीशु समाजी मित्र हैं उनके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे हमेशा उत्प्रेरित किया इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मुझे उत्प्रेरित किया एक पुरोहित बनने के लिए और मुझे उत्प्रेरित किया और ऐसे समय में मेरी सहायता की जब मुझे औरों के सहायता की जरूरत थी। और आज इन सब के साथ ही साथ आप सबका भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप सभी यहाँ पर आए हैं इस क्रिस के आगे भाग लेने के लिए। ईश्वर से मेरी आज यही प्रार्थना है कि ईश्वर आप सबको हमेशा सकुशल रखे और चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए आप सभी उन सब पूजन समारोह का आरंभ करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आइए हम इस पूजन समारोह के लिए अपने आप को तैयार करें। हम मानव हैं, मानव होने के नाते हम सब में कमजोरियां हैं और अपनी कमजोरियों और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए हम लोग एक साथ मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सशक्तिमान पिता परमेश्वर
और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और स्वयं से और अपने कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्राप्त करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। Yeah.
करे। हे ईश्वर, हमारे देश में मुक्ति का संदेश फैलाने के लिए तूने सदियों हंदी पीटों का हृदय तेरे तथा तेरी प्रजा के प्रति अपार प्रेम से भर दिया था। इनके साक्ष्य तथा इनकी मध्यस्था द्वारा हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम भी इन्हीं की भांति तेरे सुसमाचार को अपने हृदय में संजोए रखें तथा सब लोगों के बीच साहस पूर्वक इसकी घोषणा करें। तूने मुझे मेरे पुण्य के बल पर नहीं बल्कि अपने प्रेम के कारण ख्रीस्त की शाश्वत पुरोहिताई में सहभागी होने और कलीसिया की सेवा करने के लिए चुना है। ऐसी कृपा कर कि मैं सुसमाचार का उत्साही और विनम्र प्रचारक बना रहूं और भले सेवक की तरह तेरे संस्कारों को संपन्न करूं। अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु जाओ पूरा हो भी मैं।
और इसका तत्व अध्याय 13 पद संख्या है 15 से 17 और 20 से 21। शांति का ईश्वर जिसने भेड़ों के महान चरवाहे को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करे। हम यीशु के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय होते हैं। आपके नेताओं को रात दिन आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है, जिससे वे अपना कर्तव्य आनंद के साथ पूरा कर सके, आहें भरते हुए नहीं, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। शांति का ईश्वर जिसने शाश्वत विधान के रक्त द्वारा भेड़ों के महान चरवाहे हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूरी करें। वह यीशु मसीह द्वारा हम में वह कर दिखाए जो उसे प्रिय है, उन्हीं मसीह को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। Thank you.
प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले जाओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल की ही उधर दौड़ पड़े। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हम सभी अपनी दिनचर्या में चाहते हैं कि काम करने के बाद कुछ आराम करें, विश्राम करें, और यह स्वाभाविक ही है और यह अच्छा भी है, क्योंकि जब हम आराम करते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तब फिर अपने काम में फिर पूरे जोश के साथ आ सकते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु ने अपने प्रेरितों को काम के लिए भेजा और उन्होंने अपना काम किया और अब वापस आ गए हैं और यीशु के पास वो बताना चाहते हैं कि हम इन दिनों क्या करते रहे। और वे बहुत उत्साहित थे, बहुत खुश थे, उनमें नया जोश था, उनमें एक नई प्रकार की शक्ति आ गई थी और इसलिए वे बहुत खुशी थे। खुशी मन से आते हैं यीशु के पास, तो यीशु कहते हैं कि आओ हम लोग थोड़ा विश्राम कर लें, और विश्राम के समय जोश का संचार हुआ था। ये सब बातें वे यीशु के साथ कर ही रहे थे, यीशु की बातों को सुन रहे थे, लेकिन तब तक लोग फिर वहां आ गए और यीशु से मिलना चाहते। तो यीशु ने अपने प्रेरितों को छोड़ा और फिर वे भीड़ के पास चले गए और उन लोगों से बातें करने लगे, उनकी शिक्षा, उनको शिक्षा देने लगे, क्योंकि उनको लगा कि ये लोग बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह हैं और मैं मुझे उनकी सुधि लेनी चाहिए। कृष्ण प्रिय भाई बहनों, आज हम तीन जुबली मना रहे हैं। यह जुबली उसी प्रकार है कि हम थोड़ा अपने कामों से विश्राम ले लें और विश्राम लेने के साथ साथ हम उन बातों की भी याद करें कि इन वर्षों में हम लोगों ने क्या क्या किया। यहाँ पर बहुत से भाई बहन रहे, बहुत से पुरोहित रहे, बहुत से लीडर्स रहे, उन सभी ने मिलकर यहाँ पर बहुत कुछ काम किया। तो हम सबको भी उन बातों को याद करना और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। यह जुबली का समय हमारे लिए एक प्रकार से विश्राम का काल, जब हम लोग थोड़ा रिलैक्स होकर के अपने किए पर थोड़ा गर्व भी करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद भी देना चाहते हैं। यह संस्था 50 साल पहले खुली और यहाँ पर जो पुरोहित आए उन्होंने लोगों के साथ मिलकर वही काम किया जो यीशु करते थे, जो कि उनके चेले करते थे। हम जानते हैं
यहाँ पर सबसे पहले कुष्ठ रोगियों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई और ऐसा करके वह काम उसी प्रकार था जिस प्रकार यीशु ने लोगों के बीच किया था। यहाँ पर जो काम हुआ उसका उद्देश्य यही था कि कुष्ठ रोगियों के बच्चों को शिक्षा दी जाए, उनको समाज में इज्जत मिले, उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कुछ हम दें और इस प्रकार हम उनके जीवन स्तर को और अधिक अच्छा बनाएं। यीशु ने वही किया। यीशु गरीबों के बीच, पीड़ितों के बीच गए थे, उसने अंधों को दृष्टिदान दी, उन्होंने बहरों को, लूलों को चंगा किया, उन्होंने कुष्ठ रोगियों को चंगा किया और इस प्रकार यीशु ने न केवल उनको शारीरिक रूप से चंगाई प्रदान की थी लेकिन उन लोगों को समाज में फिर से स्थापित कर दिया। क्योंकि जब ये लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, समाज से बाहर रहते थे, उनको समाज में रहने की अनुमति नहीं थी, लेकिन यीशु ने उनको उस बीमारी से चंगाई दिया और साथ ही साथ उनको समाज में फिर से वापस ले आया और उनको एक इज्जत दी, उनको समाज में स्थान दिया। वही काम यहाँ पर भी हुआ। हमारे बहुत से बच्चे बच्चियाँ यहाँ से शिक्षित होकर अभी अपने पैरों पर खड़े। यह यीशु के काम ही को आगे बढ़ाने का काम था। यह स्कूल या पैरिश लोगों को, और इसलिए यह हमारे लिए गर्व की बात है, ईश्वर को धन्यवाद देने की बात है और ईश्वर को याद करने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में भी वह हमें ये कृपाएं देता रहे। जब यीशु अपने शिष्यों के साथ बातें कर रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे, प्रकार से आराम कर रहे थे, एक प्रकार से प्रार्थना भी कर रहे थे, लेकिन उसी समय जब भीड़ आ गई तो यीशु ने वह सब कुछ छोड़ दिया और वह लोगों के बीच गए और उन्होंने जरूरत पड़ी तो उन्होंने वह सब छोड़ दिया और अपने काम पर आ गए। वे लोगों के बीच आ गए और उन लोगों को जो करना था, अपनी शिक्षा देना था, वो देते रहे। आज का यीशु समाचार हमें इस बात को याद दिलाता है कि हमारे जीवन में संतुलित रूप से दोनों होना चाहिए। प्रार्थना भी होनी चाहिए, मनन ध्यान भी होना चाहिए और इसके साथ ही साथ काम भी होना चाहिए। अगर हम इसे अलग अलग कर दें तो यह पूर्ण नहीं होगा। हम सबको अपने जीवन में यह संतुलन बनाए समय बिताएं, धार्मिक बातों के बारे सोचें, बाइबल पढ़ें, उस पर मनन ध्यान करें, अपना समय प्रार्थना में बिताएं, करते रहें और अपने को एक मठ में बंद कर लें, लेकिन प्रार्थना के द्वारा प्राप्त शक्ति को, हम उस ऊर्जा को लोगों की सेवा के लिए, अपने कामों के लिए प्रयोग करें। यीशु समाजी पुरोहितों का हम कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्टेम्पलेटिव इन एक्शन, अर्थात वे प्रार्थना ध्यान मग्न रहते हैं लेकिन अपने मठों के अंदर तक सीमित नहीं रहते। वे दुनिया में जाकर लोगों के साथ मिलकर उनके दुख सुख का सहभागी होते हैं, उनको उनकी कठिनाइयों में सहायता प्रदान करते हैं, उन लोगों का नेतृत्व करते हैं और उन लोगों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। यह काम जो यहाँ पर 50 साल शुरू हुआ वह काम आज भी पुरोहितों के द्वारा और आप भाई बहनों के द्वारा चल ही रहा है। आज के सुसमाचार में एक बात और कही गई है कि यीशु उनके बीच एक
चरवाहे की तरह गए। और पहले पार्ट में भी हमने सुना कि इब्रानियों के पत्र में कहा गया है पहली बात कि आप प्रार्थना आराधना और बलिदान चढ़ाया करें, अर्थात अपना समय प्रार्थना में धार्मिक बातों में लगाया जाए। दूसरी बात कही गई है कि आप जो आसपास के लोगों को सहायता कर रहे हैं वो अच्छी बात है, वो काम जारी रखिए, लोगों के बीच जाकर जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के बीच सहायता का काम कर रहे हैं, उसे जारी रखिए। और तीसरी बात कही गई है कि आपको एक चरवाहा दिया गया है, आप उसकी आज्ञा मानिए, उसके दिखाए गए मार्ग पर चलिए। हम सभी के लिए इस पैरिश में फादर फ्रांसिस चरवाहे की तरह, वे आप सभी रेवड़ों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आप सभी का कर्तव्य है कि आप उनके साथ मिलकर एक रेवड़ और एक चरवाहे के रूप को भूमिका को भली भांति निभाइए। ईश्वर ने उनके जीवन में बहुत सी कृपाएं दी हैं, उनको उतार चढ़ाव से लेकर गुजारा है, परंतु इन सभी वर्षों में उन पर ईश्वर की कृपा बनी रही। हम आज प्रार्थना करें उनके लिए भी कि वे चरवाहे का काम यहाँ पर जो काम उन्हें सौंपा गया है उसमें और अधिक जोश के साथ ईश्वर की कृपा द्वारा आगे बढ़ते जाएं। आज का यह दिन हम सब के लिए जुबली का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है, और जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा रिलैक्स करने का भी दिन है और पुरानी बातों को याद करने का भी दिन है कि किस प्रकार ईश्वर ने अपनी बड़ी कृपा से यहाँ पर महान कार्य किए और इस महान कार्य को करने के लिए उन्होंने पुरोहितों को भेजा जिन्होंने यहाँ के लोगों के साथ मिलकर इस स्थान का स्वरूप बदल दिया, यहाँ के लोगों को आत्मिक भोजन दिया, यहाँ के लोगों को आध्यात्मिकता के बारे सिखाया, और इस प्रकार जो संतुलन हमारे जीवन में बनाए रखना है प्रार्थना का और काम का, उसे उन्होंने स्थापित किया। सभी धर्माध्यक्षों पुरोहितों और कलीसिया के लिए परमपिता परमेश्वर सबों को अपने पवित्र आत्मा की कृपा से शांत और स्थिर बना एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें ताकि पवित्र कलीसिया के लिए सभी मार्गदर्शकों को अच्छी देखरेख करें और उनके बीच ईश्वर के प्रेम दया करुणा और शांति को बनाए रखकर कलीसिया रूपी रेवर को सुचारू रूप से चला सके, इसके लिए हम निवेदन करते हैं। आज हम संत जॉन ही ग्रीटो विद्यालय एवं रस्ते से अपने वरदानों से भर दे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। फादर फ्रांसिस गोदर की रचित जयंती के अवसर पर पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं
देवकामना करते हैं कि ईश्वर उनको अच्छा स्वस्थ और दीर्घायु प्रदान करें। साथ ही प्रार्थना करें कि वह कलिसिया को चलाने में उनकी सहायता करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। विधवा और बुढ़ापे से लाचार लोग हैं, पिता ईश्वर उन्हें अपने संरक्षण में रखे, उनकी देखभाल करे तथा हमारे पल्ली और पास पड़ोस में जितने भाई बहन, नाते रिश्तेदार नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, पिता ईश्वर उनकी दवाइयों पर अपनी आशीष दे, जिससे वे जल्द से जल्द स्वस्थ लाभ प्राप्त करें, पिता ईश्वर की महिमा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। अपनी शक्ति से इस संसार में फैली नकारात्मकता को दूर करें और जो एक दूसरे को शत्रु भाव से देख रहे हैं उनके मन में प्रेम का संचार करें। हमारी झूठे लालच और अज्ञानता को दूर करने में हमारी मदद करें। दुख दर्द और अशांति जहां फैली है उसे दूर करें। प्यारे बच्चों पर कृपा करें। लोग आपस में प्यार से रहे, एक दूसरे की मदद करें और विश्व में शांति स्थापित हो। बुराई पर अच्छाई और घृणा पर प्रेम की विजय हो। हे प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखिए, विश्व में शांति तथा एकता स्थापित हो। इसके लिए हम निवेदन करें। गोल्डन जुबली के शुभ अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान और सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें सुस्वस्थ रखिए जिससे वे उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ें, उनका जीवन ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए समर्पित हो। हम युवक युवतियों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के प्रलोभन भरे युग में आप उन्हें उचित मार्गदर्शन दीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए जिससे वे एक सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। प्रार्थना करते हैं कि हर विपत्ति हर कठिनाई से ईश्वर उनको सही सलामत रखे और आज का पवित्र मिशा में उपस्थित नहीं हैं उन सबों के लिए भी हम पिता ईश्वर से दुआ करते हैं कि वे भी जहां कहीं रहें हैं उन्हें भी पिता ईश्वर आशीष और कृपा दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारे पास है सब कुछ तूने ही हमें प्रदान किया है, इस बात हमारी प्रार्थनाओं को सुन और उन्हें पूरा कर क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। Oh,
पावन अपन जीवन के प्रभु के समर्पित करा के समर्पित करा के लिए हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु हमारे जानों को अपनी आशीष से पवित्र कर दे, अपने प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित करने की कृपा कर, जिसके द्वारा सजीवो सभी शारीरिक यात्राओं पर विजयी हुए।
हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु पद पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद घोषित करते हैं। प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह से मृत्यु के लिए सौंपे गए। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। किसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि वो स्थान कर जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। यीशु क्रिस्त की महिमा हो। यह हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता स्वर्ण रजत जयंती मना रहे हैं।
विशेष कर उनके स्वर्गीय माता पिता और उनके जितने भी सगे संबंधी हैं उनको हम विशेष रूप से स्तोत्र बलिदान में याद करते हैं। इस लोक से तूने उन्हें अपने यहाँ बुला लिया है और यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धनी कुमारी मरी प्रेरित कर और सब संतों के साथ जो युद्धों में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे तेरा स्तुति कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हम लोग एक साथ मिलकर त्रित्वा परमेश्वर का महादान पाए प्रभु ख्रीस्त के द्वारा सूरज के साथ सरस्वती मान पिता परमेश्वर से करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ
तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास को दृष्टि दान और कृपा पूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता विराज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। इसकी शांति आप सब जो मेमने के भोज में बुलाए गए हे प्रभु अभी परम प्रसाद का वितरण होगा। इन्हें सिर्फ वही लोग ग्रहण करते हैं जिन्होंने अपने आप को इसे पाने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया है। इसलिए बाकी जो लोग आए हुए हैं यहाँ इस चीज की आत्मा ये लोग कृपया अपने स्थान पर बने रहे। Bye.
चाहूंगा कि आप सबने अपने प्रार्थनाओं के द्वारा हमेशा मेरी सहायता की है और विशेष करके इस पूजन समारोह के दौरान विशेष रूप से आप सबने जो प्रार्थना की है उन सबके लिए आप सभी लोक धर्मियों का एवं सभी पुरोहित भाइयों का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। धन्यवाद। और साथ ही साथ प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ मेरे लिए बल्कि सभी पुरोहितों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहिए ताकि हमें जो कार्य सौंपा गया है ईश्वर ने हमारा जो आह्वान किया है जिस आह्वान को हमने एक चुनौती के रूप में अपने जीवन में स्वीकार किया है हम उसे अंत तक के संत योहन जी पीठों के आदर्श पर चलते हुए हम इस पृथ्वी पर तेरे सच्चे प्रेम में सुदृढ़ होते जाएं और स्वर्ग में तेरी चिरस्थाई महिमा प्राप्त करें। हे प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए मैंने अपने पुरोहित अभिषेक की वर्षगांठ पर विश्वास का यह संस्कार सानंद अर्पित किया है। मैं इस बलि का प्रतिरूप बन जाऊंगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग पिता ले संपन्न हुआ
one's heart and soul in conversation with God, and love is an expression with our relationship with God. At this blissful moment, please hold your heart as you're presenting a prayer dance. उपस्थित सभी अतिथिगण और विशेषकर सेंट जॉन दे ब्रिटो के शिक्षक शिक्षिकाएं और हेडमिस्ट्रेस सिस्टर कृपा और प्रिय विद्यार्थियों, अंग्रेजी में लिखा हुआ है क्वेश्चन करने के लिए, हियर बाय आई डिक्लेयर द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ सेंट जॉन दे ब्रिटो स्कूल and Silver Jubilee Year of St. John the Brito Paris inaugurated. सबने कुछ नहीं, मैंने आपके विद्यालय St. John the Brito और पेरिस जो जुबली
की शुरुआत है, इसकी मैं उद्घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। मुख्य अतिथि एवं देखिए और मजा लीजिए, आनंद लीजिए, लेकिन कोई भी अपने जगह से उठेगा नहीं। काफी नहीं है आसमानों के लिए कि पल्स भी काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी। संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। फादर फ्रांसिस बोधा यीशु समाजी का जन्म 30 का बहुत ही अमूल्य रहा है। इनके योगदानों का कुछ अमूल्य क्षण इस प्रकार हैं। 1998 से 1999 तक एक सहायक पल्ली पुरोहित रूप में बालासोर डायसिस में रहे। 1999 से 2001 तक पल्ली पुरोहित के रूप में क्यों मेरे बालासोर डायसिस में रहे। 2001 से 2002 मार्च तक एक हेडमास्टर के तौर पर लोयला स्कूल चैरा में अपना योगदान दिए। 2002 से 2003 तक बीएड लोयला कॉलेज ऑफ एजुकेशन नामची में अपना योगदान दिए। 2003 अप्रैल से सितंबर 2023 तक एक अध्यापन के तौर पर संजयगढ़ गादीकुंडी में अपनी सेवाएं दी। 2003 अक्टूबर मार्च 2007 तक सहायक मिनिस्टर, एक शिक्षक और एक कुशल छात्रावास अधीक्षक के रूप में लुपुंगुटो में अपना अमूल्य योगदान दिए। अप्रैल 2007 से जनवरी 2008 तक लोयला स्कूल भुवनेश्वर में शिक्षण कार्य की अपना योगदान दिए। मई 2009 तक एक प्रिंसिपल के तौर पर जम्मू कश्मीर में होली फैमिली स्कूल एवं एक पल्ली पुरोहित के रूप में वहां अपनी सेवाएं प्रदान की। जून 2009 से मार्च 2014 तक नेपाल में रहकर वहां लोगों की सेवाएं की। जून 2009 से अप्रैल 2010 तक सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में और हाउस सुपीरियर के तौर पर और एक कुशल शिक्षक के तौर पर नेपाल में सूर्योदय स्कूल दमक में अपने योगदान प्रदान किए। मई 2010 से जून 2011 तक एक रेक्टर माइनर के तौर पर और एक पल्ली पुरोहित के तौर पर नेपाल गोदावरी में अपनी सेवाएं दिए। फरवरी 2012 से मार्च 2013 तक असिस्टेंट प्रिंसिपल के तौर पर संजयगढ़ स्कूल देवनिया नेपाल में भी अपने अमूल्य योगदान दे चुके हैं। अप्रैल 2013 से अप्रैल 2014 तक एक प्रिंसिपल के तौर पर संजयगढ़ स्कूल देवनिया नेपाल में अपने अमूल्य योगदान दिए। मई 2014 से अप्रैल 2015 तक एक हेडमास्टर के तौर पर संजोन तापासाई में भी अपना योगदान दे चुके हैं। मई 2015 से मार्च 2016 तक एक हेडमास्टर के रूप में लोयला स्कूल चैरा में भी अपना योगदान दे चुके हैं। अक्टूबर 2016 से अप्रैल 2017 तक सहायक एडमिनिस्ट्रेटर और एक कुशल शिक्षक और एक पल्ली पुरोहित के तौर पर दिगवाड़ी में भी अपना अमूल्य योगदान दे चुके हैं। अभी फिलहाल में 15 मई 2022 से एक बहुत ही कुशल पारिस्थितिक और एक कुशल शिक्षक के तौर पर हमारे गोमोपल्ली में संजन लिब्रेटो चर्च में और इस विद्यालय में अपनी सेवाएं, अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए सफलतापूर्वक 50 वर्ष पूरा करना बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है और यह एक सपने के पूरे होने के समान प्रतीत होता है। हमें उत्प्रेरित करने के साथ ही साथ इस विद्यालय को और आगे ले जाने की शक्ति भी प्रदान करता है। शुरुआती दौर में संजन डिग्री विद्यालय डेमियन सामाजिक कल्याण केंद्र धनबाद द्वारा संचालित एक आवासीय विद्यालय था, जहां कुष्ठ रोगियों के उन बच्चों को शिक्षा दी जाती थी जिन्हें सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं होता था। अप्रैल 2011 से यह विद्यालय क्षेत्रों में कुछ रोगियों के इलाज एवं आवास के लिए कॉलोनियों की स्थापना की, जहां पर कुछ रोगी अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस संस्थान का मूल उद्देश्य समाज द्वारा इन उपेक्षित बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल तथा आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ इनमें नैतिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास करना था। अतः इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सन 1972 ईस्वी में संजन डिग्रीटो विद्यालय की स्थापना रेवरेंड फादर
एल हंट येसु समाज द्वारा हुई, जो मूल रूप से समाज द्वारा उपेक्षित बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय के रूप में रहा। सन 1972 ईस्वी में केजी से चौथे वर्ष तक की पढ़ाई शुरू की गई। सन 1973 ईस्वी में पांचवी कक्षा की पढ़ाई के लिए बच्चों को जीतपुर प्राथमिक विद्यालय भेजा गया। बच्चों को बाहर विद्यालय भेजने में कुछ दिक्कतें आने लगी, अतः सन 1974 ईस्वी में आगे की शिक्षा के लिए बिशप रॉकी हाई स्कूल भेजा जाने लगा, जहां से वे मैट्रिक की परीक्षा देने लगे। सन 1976 ईस्वी से सन 1985 ईस्वी तक रेवरेंड फादर जो लेसी येसु समाजी की देखरेख में सारा कार्य संपन्न होता रहा। जुलाई 1985 से जून 1986 तक विद्यालय के संचालन की बागडोर रेवरेंड फादर रॉबर्ट टोपो ने संभाली। सन 1989 ईस्वी में डेनियन सामाजिक कल्याण रेवरेंड फादर एडवर्ड सालदाना की देखरेख में शुरू हुई। सन 1988 ईस्वी में रेवरेंड फादर साले येसु समाजी के द्वारा विद्यालय में स्थानीय बच्चे बच्चियों को भी पढ़ने का अवसर प्रदान किया गया। अतः विद्यालय में सह शिक्षा की व्यवस्था की गई। यहाँ विद्यालय पूर्णतः निजी विद्यालय है। अतः इस विद्यालय के दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित बोर्ड की परीक्षा के लिए स्वतंत्र छात्र छात्राओं के रूप में बिशप रॉकी हाई स्कूल के माध्यम से परीक्षा दिलवाया जाता था। विद्यालय में जून 1993 ईस्वी में प्राचार्य रेवरेंड फादर एडवर्ड के स्थानांतरण के बाद फादर रॉकी कार्डोजा प्राचार्य के रूप में जून 1994 तक रहे। जुलाई 1994 से दिसंबर 1996 तक रेवरेंड फादर लियो डिसूजा ने विद्यालय के प्राचार्य के पदभार को संभाला। जनवरी 1997 ईस्वी को रेवरेंड फादर जॉर्ज बोदा आए। उसी वर्ष मई महीने में उनके आकस्मिक निधन के बाद उनके कार्यभार को रेवरेंड फादर फेलिक्स डिसूजा ने जून 1998 तक संभाला। जुलाई 1998 से जून 2001 तक रेवरेंड फादर जॉनी पी डी प्राचार्य के रूप में कार्यरत रहे। जुलाई 2001 से जून 2005 तक रेवरेंड फादर बेनेडिक्ट मिंच इस विद्यालय का नेतृत्व किए। जुलाई 2005 से जून 2008 तक रेवरेंड फादर चौनहास खालको ने प्राचार्य का पदभार संभाला। जुलाई 2008 से दिसंबर 2011 तक रेवरेंड डोंगडुंग ने इस विद्यालय के प्राचार्य की जिम्मेवारी संभाली। 2008 में ही झारखंड अध्ययन परिषद रांची ने मानव संसाधन विकास झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित माध्यमिक विद्यालय की स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति प्रदान किया। डेनियन सामाजिक कल्याण केंद्र की आर्थिक विफलता के कारण संजन डिग्री को विद्यालय के संचालन का भार अप्रैल 2011 में जमशेदपुर जेसुट सोसाइटी को सौंप दिया गया। 8 जनवरी 2011 को रेवरेंड फादर जेरी कलकत्ता एवं 24 जनवरी 2011 को रेवरेंड फादर पंखराज येसु समाजी का पदार्पण इस विद्यालय में हुआ। 16 जनवरी 2011 को फादर जेरी येसु समाज को पल्ली पुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया एवं 24 जनवरी 2011 को फादर पंखराज येसु समाजी को प्राचार्य एवं प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। 9 मार्च 2012 से 1 मई 2018 तक फादर अलेक्जेंडर एएसजी ने इस विद्यालय के प्राचार्य के कार्यभार को संभाला एवं विद्यालय को नई दिशा प्रदान करने में अपना भरपूर योगदान दिए। 2 मई 2018 में फादर जेम्स फेरनिल एसजी का आगमन इस विद्यालय के प्राचार्य के रूप में हुआ। फादर जेम्स फेरनिल एसजी ने 17 जून 2019 तक संजोन डिग्रीटो विद्यालय के प्राचार्य के हुई। हमारी प्राचार्य सिस्टर प्रतिमा विद्यालय की गरिमा को बढ़ाने एवं विद्यालय को सदैव उन्नत मार्ग पर बनाए रखने के क्रम में बड़ी ही शालीनता के साथ अपना योगदान देती आ रही है। सिस्टर प्रतिमा सदैव विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सभी शिक्षकों का भी मनोबल बढ़ाती है। हम सभी के लिए एक विशेष गान प्रस्तुत कर रहे हैं। Thank you.
ख्याल है। लाया है खुशियाँ प्यारे का, आया है दिन वो इंतजार का, लाया है खुशियाँ प्यारे का। मन में उमंग लिए गाए हम राजा रे गाओ यार मिल जुल कर, आया है दिन वो इंतजार का, लाया है खुशियाँ प्यारे का। Thank you.
Sajan more ghar aaye, Sajan
साजन मोरे घर आए, साजन मोरे घर आदरणीय सिस्टर कृपा, फादर जेम्स संतानम, डीएनएस गोमती प्रिंसिपल, फादर फ्रांसिस गोदरा, सेंट जॉन्स डीको पैरिस के पैरिस प्रीस्ट एवं शिक्षक, फादर सुशील बालमुचू, फादर ज्ञान पपनो, पैरिस प्रीस्ट को धन्यवाद और धन्यवाद के डीन, धन्यवाद डिनरी के डीन, फादर माइकल फर्नांडिस, फादर सेबास्टियन प्रिंसिपल भोली, फादर अमलदास प्रिंसिपल डिनोबली बिगवाडी और हमारे भूतपूर्व प्रिंसिपल फादर एलेक्स जो कि शंका बंका उड़ीसा से आए हुए हैं, फादर जूलियन फादर और हमारे मिस्टर स्वामी चंद्रपुरा के प्रिंसिपल, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएँ बिनाबली ब्रिटो की और जो अतिथिगण यहाँ आए हुए हैं सजनो योदेयु और सेंट जॉन से प्रीतो के सभी विद्यार्थियों सबको शुभ प्रभात। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस दोनों को धन्यवाद देता हूँ, फादर फ्रांसिस को धन्यवाद देता हूँ मुझे एक अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रण देने के लिए। मैंने साहस स्वीकार किया और यह मेरे लिए बहुत ही गर्व और आनंद का दिन है कि सेंट जॉन्स के ब्रिटो आज अपना स्वर्ण जयंती वर्ष का प्रारंभ कर रहा है। जैसे कि एंकर ने कहा कि ये तो पहला पेज है और पूरा किताब भी बाकी है जो कि अगले साल आपको जिससे और भी धूमधाम से मनाइएगा। सबसे पहले मैं फिर से ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन 50 वर्षों में ईश्वर ने हम सब पर विशेष आशीष दी है और केवल ये विद्यालय भी जब प्रारंभ हुआ तो सब ईश्वर की ही योजना थी। फादर हंस ने शुरू किया, जैसा कि हम लोगों ने इतिहास में सुना कि जो कुछ लोग के माता पिताओं के बच्चे थे उनको एक आवश्यक रूप में रखा गया था और वे यहाँ पढ़ाई करते थे और मैं हमेशा 82 से 84 तक बिनाबली टिकवाली में था और यहाँ पर फादर जो लेसी रहते थे और मैं उनसे मिलने के लिए हर एक महीना 2 साल आता था
ताकि मैं मन चिंतन करूं और मुझे फिर से ऊर्जा मिले अपने कामों को आगे करने के लिए। मैंने भी अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से ही की और आप सभी हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मैं सोचूं कि आप किसी से कम नहीं हैं। आजकल हम सभी जानते हैं कि माता पिताओं का बच्चों का भी क्रेज इंग्लिश मीडियम के लिए है, लेकिन आप सभी किसी से कम नहीं हैं। आप सभी औरों की तरह ही उड़ान भर सकते हैं, चाहिए तो हौसला चाहिए और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जिस विशेष का जिस समय आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, मानसिक शारीरिक और शारीरिक रूप से आप सभी बढ़ेंगे, लेकिन उससे भी अधिक नैतिक रूप से आप सभी अपने चरित्र को और सुंदर बनाएं, और इसके लिए यहाँ के हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ फादर सिस्टर्स हमेशा आप लोगों का साथ देती हैं और आने वाले दिनों में आपका साथ देते रहेंगे। और इतने 50% तक बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाओं ने पूर्व में अपना सहयोग किया है, जबकि शिक्षकों ने हेडमास्टर के रूप में अपना बहुत योगदान किया है, उसके प्रति भी हम आज कृतज्ञता प्रकट करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस विद्यालय को शिखर तक पहुंचाने में मदद की है। और ज्ञान रूपी ये बीज बोया गया था और ये बीज बढ़ा फला फुला और आज और आगे आने वाले दिनों में बढ़ता ही जा रहा है। इस आसपास के गांव के बीच जो अज्ञानता थी वो एक शिक्षा के रूप में ज्योति के रूप में आई और ये ज्योति आने वाले दिनों में भी आगे बढ़ता रहे, यही मेरी ईश्वर से निवेदन है, प्रार्थना है। और आप लोग के विद्यालय में आने वाले दिनों में भी ईश्वर की आशीष और कृपा बनी रही, आपके विद्यालय की प्रिंसिपल या हेडमिस्ट्रेस की कृपा है ही, तो उनकी कृपा के द्वारा ईश्वर की कृपा। रोके रोके का उम्र गालिब ये भूल करता रहा, का उम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, कवाली पेश करने से पहले आप सभी को हमारी ओर से नमस्ते। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पलियों आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। Thank you.
तेरे हाथ पांवों में भरना रहे पांवों में भरना रहेगा तुम्हारी कमर धीरे धीरे पल पल यूं आंखों का हर धीरे धीरे जा रही है उम्र धीरे प्रिंसिपल्स यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं प्रिय भाई बहनों और
प्रिय छात्र छात्रा, मुझे इस संस्था से जुड़े रहने का सौभाग्य प्राप्त होने से 1996 ईस्वी में डेमियन सोशल वेलफेयर सेंटर धनबाद में था और तब प्रत्येक सोमवार को मैं गोमो आया करता था क्योंकि तब यह संस्था डेमियन सोशल वेलफेयर सेंटर के अधीन था। मैं यहाँ पर 1996 तक रहा। 1996 से लेकर आज तक इस जमुनिया नदी में बहुत पानी बह चुका है, बहुत परिवर्तन आ गया है, यहाँ का परिसर बदल चुका है, यहाँ छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ गई, यहाँ अब अंग्रेजी विद्यालय भी खुल गया है, सब कुछ नया लगता है। लेकिन मुझे एक बात याद आती है कि सब कुछ नया लगते हुए भी पेट्रुस सर जो तब भी थे अब भी वही लगते हैं। मैंने अपने समय में उन्हें जैसा देखा था आज भी वे वैसे ही लिखते हैं। पेट्रुस सर के साथ साथ और मिस्टर सिल्वेस्टर फ्रांसिस थे, ये दोनों स्कूल को बहुत अच्छी तरह से संभालते थे और जब कभी भी हमें कुछ प्रोग्राम करना होता था तो हम लोग इन दोनों शिक्षकों को धनबाद बुलाया करते थे और ये सब कुछ संभालते थे। तो उन्हें आज भी इसी हालत में देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। कुछ वर्षों पहले मैं दिल्ली के हवाई अड्डे पर था और वहाँ पर जहाँ पर इमिग्रेशन चेक होता है, जहाँ पर सिक्योरिटी चेक होती है, वहाँ पर मैं लाइन में लगा हुआ था तो एक अफसर मेरे करीब आकर के बोलने लगे, डीबीएच। मैंने कहा डीबीएच डीबीएच डीबीएच। उसको डर भी लगा कि क्यों डीबीएच बोल रहे हैं, डीबीएच तो डेब्रिटो हाउस को कहा जाता है। मैं चुप रहा। फिर दोबारा वो आकर मुझसे पूछे डीबीएच गोमो। तुमको बड़ा साहस लगा तो मैंने कहा हाँ गोमो। तो बोले कि फादर आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं लेकिन मैं आपको पहचान रहा हूँ, मैं डीबीएच का छात्र रहा हूँ। और वो वहाँ पर इमिग्रेशन में बड़े सिक्योरिटी ऑफिसर। तो इसी प्रकार ये तो एक कहानी है। इस स्कूल से निकले हुए बहुत से छात्र छात्राएं विभिन्न स्थानों पर बहुत उत्तरदायी पदों पर हैं, इसलिए स्कूल के लिए गर्व की बात है। आज जब हम स्कूल की जुबली मना रहे हैं तो हम सबको याद रखना चाहिए कि जिस प्रकार हमारे पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं ने इस स्कूल का नाम रोशन किया है, वैसा ही मेरा विश्वास है कि आप सभी भी एक दिन यहाँ से निकल कर अपने देश और अपने राज्य और विशेषकर इस गोमो की शोभा बढ़ाएंगे, इसका नाम रोशन करेंगे। मैं आप सभी को इस अवसर पर बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबकी शुभकामना करता हूँ कि जिस प्रकार यह विद्यालय या संस्था और यह पैरिश तरक्की करता रहा है, आने वाले दिनों में भी यह और अधिक तरक्की करेगा और यहाँ के छात्र छात्राएँ और सभी लोग अन्य स्थानों पर भी गोमो का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Oh, Danny, Oh, Danny, Dirt, Danny.
यहाँ उपस्थित सभी फादरगण सिस्टर्स शिक्षक और जितने भी मेहमान आज यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज यहाँ हमारे साथ आने के लिए और मैं कहूँगा मेरी खुशी को बांटने के लिए और इसके साथ ही साथ इस विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। आज पच्चीस वर्ष का सफर किसी की जिंदगी के लिए काफी अहम होता है और ये एक छोटा समय नहीं है, काफी लंबा समय है। और इस वक्त में जब मैं देखता हूँ एक पुरोहित के रूप में अपने 25 वर्ष के सफर को, जिंदगी के उतार चढ़ाव के बीच मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और साथ ही साथ मैंने ये भी सीखा कि अगर आप सच हो तो लोग चाहे जो भी कहें आप अपने काम को करते रहो। दूसरी बात मैंने ये भी अनुभव किया कि अगर आपको जो भी कार्य सौंपा गया है उसे आप 100% करने का प्रयास करते हो एक प्रकार की संतुष्टि मिलती है। और एक बात मैंने ये भी सीखा है, अगर आपके पास कुछ है जो भी है उसे आप निस्वार्थ भाव से दूसरों के साथ बांटते हैं तो बहुत कुछ हासिल होता है। जितना आप दूसरों को देते हैं उससे कहीं ज्यादा प्राप्त होता है और यही मैंने 25 वर्षों में पाया है। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने देने का प्रयास किया, मैंने उसे औरों के साथ साझा करने का प्रयास किया है और मुझे उससे कहीं अधिक प्राप्त हुआ है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इतनी सारी बातें मुझे सीखने को मिली हैं जब किसी के साथ और विशेष करके ऐसे लोगों के साथ जो किसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके साथ उनकी समस्या को सुलझाने का अवसर प्राप्त होता है तो मैं अपने स्वयं की जिंदगी को उसमें डाल करके उसकी समस्या को समझने का प्रयास करता और इससे बहुत कुछ हासिल होता है, समस्याएं सुलझने लगती हैं, ये भी मैंने महसूस किया है। इसलिए प्रिय छात्र छात्राओं, आज तुम सब के लिए मेरा संदेश यही है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहाँ अध्ययन करने के लिए भेजा है,
उनकी अपेक्षाएं बहुत कुछ हैं तुमसे। अगर तुम 100% उसे करना चाहो उसे तुम पूरा नहीं भी कर पाओ, ना सिर्फ तुम्हें संतुष्टि मिलेगी लेकिन तुम्हारे माता पिता को बहुत अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी और इसे बड़ी खुशी तो अपने माता पिता को नहीं दे सकते। इसलिए आज जब मैं अपनी जुबली मना रहा हूँ 25 वर्ष की, तुम सबके लिए मेरा यही संदेश है, तुम्हें जो कुछ करने को कहा गया है एक छात्र छात्रा के रूप में अध्ययन करने की अपेक्षा की गई है, तुम अपना अध्ययन अच्छी तरह से जारी रखो, भविष्य तुम्हारे हाथ में है। और जैसा कि फादर ज्ञान प्रकाश अपने उस क्षण को हमारे साथ साझा कर रहे थे, उस याद को साझा कर रहे थे जब एयरपोर्ट में एक ऐसे ऑफिसर मिले जो जिन्होंने यहाँ से अध्ययन किया था, हो सकता है आगे चलकर तुम्हारे बीच से बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हमें मिलेंगे जो कि हम जब किसी ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तुम ही एक रास्ते के रूप में नजर आओ, तुम ही एक किए के रूप में हमें नजर आओ। आज तुम सबसे मेरी यही कामना है कि तुम एक किए की तरह हमेशा चमकते रहो, इस स्कूल के नाम को रोशन करो और गोबो को ना सिर्फ भारत के मानचित्र पर लेकिन विश्व के मानचित्र पर इसे आलोकित करते हैं। धन्यवाद। हमारे जुबिलियन रेवरेंट फादर फ्रांसिस बोधराज जी को सुंदर संदेश के लिए सहित धन्यवाद देता हूँ। अब मैं संजोन विद्यालय के विद्याध्यापिका सिस्टर कृपा SABS को जुबिलियन रेवरेंट फादर फ्रांसिस SJ को सम्मानित करने मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन करें। Very thank you, Father and Sister. Thank you.
मनाने का सारा श्रेय यहाँ उपस्थित सभी लोगों का है। काट दिया हम सभी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी न किसी रूप में मिलजुल करके कंधे से कंधा मिलाकर आपसी सहयोग द्वारा आज का यह दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए मैं सबसे पहले पिता ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सुबह की किरणे प्रस्फुटित होता जैसा आकाश में है, वैसा ही विद्यालय में आपके आगमन से फैला नया प्रकाश है। हमारे मुख्य अतिथि माननीय फादर ओस्कर होरोएंजे की मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इतने व्यस्त होते हुए भी अपना अमूल्य समय निकाला और हमें प्रोत्साहित किया और अपने आशीर्वचन शब्दों से हमें अनुग्रहित किया। रेवरेंड फादर, हमारा विद्यालय प्रांगण आपका हमेशा आभारी रहेगा। खुशियां भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमा में उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है। आज के इस पावन दिवस पर उपस्थित संत अंतोनी चर्च धनबाद डिनरी के टीम फादर ज्ञान प्रकाश टोपनो को मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हम सबकी खुशियों में शारिक होकर अपना कीमती वक्त दिए और अपने मधुर वचनों द्वारा हमें प्रेरित किए। ना हर समुद्र में मोती सदा खिलते हैं, ना हर मंजर में दीप सदा जलते हैं, पर जिनके खिलने से समस्त उपवन खिल उठे, ऐसे पुष्प उपवन में सदा सदियों बाद ही खिलते हैं। आज मैं विशेष रूप से डिनोबली स्कूल के डायरेक्टर रेवरेंड फादर माइकल फर्नांडिस एलजे एवं उनके साथी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने समय समय पर अपना बहुमूल्य सत्वक देकर हम सबकी अगुवाई सहयोग एवं दिशा निर्देशित किया, जिससे यह दिवस सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है। दूर दराज से आए हमारे बीच उपस्थित सभी फादरगण सिस्टरगण डिनोबली स्कूल के प्रिंसिपल्स और हमारे बीच में चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोमो मिस्टर धीरज कुमार गणमान्य अतिथियों को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने अवसर न होते हुए भी अपना महत्वपूर्ण समय देकर हमारा उत्साह बढ़ाया। हमारे डिनोबली स्कूल के प्रिंसिपल एंड सुपीरियर फादर जेम्स, कोषाध्यक्ष फादर सुशील, पल्ली पुरोहित रेवरेंड फादर फ्रांसिस, वाइस प्रिंसिपल सिस्टर कुसुम एवं सिस्टर अंजना को भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिनके उचित योगदान सही मार्गदर्शन द्वारा यह कार्यक्रम खूबसूरत रहा। आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। इसे रंगीन और हसीन बनाने के पीछे कठिन परिश्रम किए हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों को हार्दिक बधाइयाँ एवं दिल की गहराई से मैं ढेर सारी शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही यथा समय सहयोग करके आज के इस समारोह को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए डिनोबली स्कूल गोमो के सभी शिक्षकों को भी मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। संतोनी बीजो पल्ली के सभी पल्ली वासियों को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने सक्रिय रूप से भाग लेकर हम सबों का उत्साह बढ़ाया। जैसा कि कहा जाता है, जो गाता है वह दो बार प्रार्थना करता है। आज के पवित्र मिसा बलिदान के सभी गायक मंडली को गीत का संचालन करके पवित्र मिसा को और अधिक प्रार्थनामय तो भक्तिमय बनाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वातावरण को आकर्षक सुंदर सजावट रंग बिरंगे लड़ियों से सजा स्टेज समियाना एवं मधुर साउंड सिस्टम वाले सभी भाई बंधुओं को भी मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने रसोई के स्वादिष्ट भोजन तैयार किए हैं। उन सभी सदस्यों को भी मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ।
अंतिम लेकिन कम से कम नहीं कार्यक्रम के प्रारंभ से अंत तक जिन्होंने शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को देखते सुनते रहे, अपनी उपस्थिति को बरकरार बनाए रखे, उन्हें भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करती हूँ। पुनः आप सभी को धन्यवाद एवं जुबली उद्घोषणा मुबारक हो। धन्यवाद। स्कूल घूमो स्वर्ण जयंती मना रहे हैं और आज का ये दिन एक प्रकार से उद्घाटन समारोह था। आने वाले एक साल तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। डिब्रूटो स्कूल घूमो ने 50 वर्ष तय कर लिया है। बहुत सारी उपलब्धियां स्कूल को प्राप्त हुई हैं और आज हमने उन्हीं को याद किया और इसी के साथ यहाँ पर जो चर्च है सेंट जॉन डिब्रिटो पल्ली गोमो, हमने उसकी भी रजत जयंती मनाई और इसके साथ ही साथ आज अगर फ्रांसिस पोजा जो मैं हूँ आज मेरे भी पुरोहित बने हुए 25 साल हो गए हैं उसी जुबली हमने मनाई रजत जयंती मनाई और ये जो तीन जुबली जो हमने एक साथ मनाया और इसी खुशी को बांटने के लिए आज बहुत सारे मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं। स्कूल के सभी छात्र छात्राएँ हैं और आप उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कौन सा कार्यक्रम और कौन सा प्रोग्राम हुआ? विशेष करके तीन प्रोग्राम हुआ है, गोल्डन जुबली ऑफ डिब्रिटो स्कूल गोमो, सिल्वर जुबली ऑफ डिब्रिटो चर्च गोमो और सिल्वर जुबली ऑफ फादर फ्रांसिस बोद्रा। मैं फादर फ्रांसिस बोद्रा हूँ। यहाँ पर अभी यहाँ जो पल्ली है उसका पल्ली पुरोहित हूँ मैं। यहाँ जो भी कैथोलिक विश्वासी हैं उनकी देखभाल करता हूँ और मेरी देखरेख में इस पल्ली में जो भी कार्यक्रम होते हैं संपन्न।